नमस्कार। वैसे तो हर कोई जानता है कि पैरा ओलंपिक में वही खिलाड़ी भाग लेते हैं जो दिव्यांग होते हैं, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में एक खिलाड़ी अपनी शारीरिक अयोग्यता साबित नहीं कर पाया और मेडल उसके हाथ में आकर वापस चला गया। टोक्यो पैरा ओलंपिक में सोमवार को भारत के लिए मेडल की बारिश हुई। शूटिंग में गोल्ड आया तो जैवलिन थ्रो और चक्का फेंक में सिल्वर मेडल आया। इसी बीच इस टूर्नामेंट से एक बड़ी खबर भी सामने आई। ये खबर कोई और नहीं बल्कि भारत के हाथ से ब्रॉन्ज छीनने की खबर थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि चक्का फेंक में विनोद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, मगर उनका मेडल होल्ड पर रख दिया गया और अब उन्हें दिव्यांग के क्वालिफिकेशन निरीक्षण में अयोग्य पाए जाने के बाद पुरुषों की F52 चक्का फेंक स्पर्धा का मेडल गंवाना पड़ा है। विनोद ने F52 इवेंट के फाइनल में 19.91 मीटर का थ्रो किया। सिल्वर मेडल क्रोएशिया के वेलिमिर ने जीता, जिन्होंने 19.98 मीटर का थ्रो किया, जबकि पोलैंड के प्योत्र ने 20.02 मीटर के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। विनोद के शारीरिक अयोग्यता के क्लासिफिकेशन पर विरोध जताया गया था, जिस वजह से उनका मेडल होल्ड पर रख दिया गया। बता दें F52 स्पर्धा में वो एथलीट हिस्सा लेते हैं जिनकी मांसपेशियों की क्षमता कमजोर होती है और उनके मूवमेंट सीमित होते हैं, हाथों में कोई कमी होती है या पैर की लंबाई में अंतर होता है, जिससे खिलाड़ी बैठकर प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेते हैं। रीढ़ की हड्डी में चोट वाले या ऐसे खिलाड़ी जिनका कोई अंग कटा हो वो भी इसी वर्ग में हिस्सा लेते हैं। पैरा खिलाड़ियों को उनके कमी के आधार पर वर्गों में रखा जाता है। क्लासिफिकेशन प्रणाली में उन खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिलती है जिनमें एक सी कमी होती है। बहरहाल आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर।